नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, रेणु IVF गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। आज फिर से हम लोग COVID-19 वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। बहुत पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या मैडम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बच्चे को फीड कराते समय हम वैक्सीन्स ले सकते हैं। यस, अब अच्छी खबर है हमारे लिए, मात्र 5 दिन पहले ही फॉक्सी यानी कि फेडरेशन ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, वो उससे काफ़ी दिन पहले रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रेग्नेंट लेडीज़ और दूध पिलाती हुई माताएं यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए इस वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। सबने ये देखा कि इन वैक्सीन्स को जब प्रेग्नेंट पेशेंट्स में दिया गया और गर्भवती माताओं के साथ साथ दूध पिलाती हुई लैक्टेटिंग मदर्स में जब इसको दिया गया तो उनमें एंटीबॉडीज़ आने का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और उनमें वायरस के कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क बहुत कम हुआ और कई लोगों की, कई प्रेग्नेंट पेशेंट्स की, लैक्टेटिंग मदर्स की जान इससे बचाई जा सकती है। एक अच्छी खबर ये भी है कि यह भी देखा गया कि इन एंटीबॉडीज़ को उन गर्भस्थ शिशु के अंदर भी पाया गया, बच्चा पैदा होने के बाद भी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ देखी गई हैं, तो शायद ब्रेस्ट मिल्क में भी ये एंटीबॉडीज सिक्रीट होंगी। अभी इन सब की स्टडीज़ आना बाकी है, बट एज ऑफ नाउ ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बताएं कि सभी गर्भवती स्त्रियां व दूध पिलाती हुई लैक्टेटिंग मदर्स अब ज़रूर से जाकर वैक्सीन का शॉट लें। 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पर 2 शॉट्स लेने हैं जैसे बाकी सब लोग ले रहे हैं। वैक्सीन से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन ही एकमात्र आज आपके हाथ में वो शस्त्र है जिससे आप COVID-19 के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए।